नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और दोस्तों कोई व्यक्ति आप पर नाक की तरह हमला करेगा जिसके जहर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों आपको बता दें कि चारों तरफ इसके बाद आप ही के चर्चे सुनाई देने वाले हैं, चाहे दोस्तों खुशखबरी के चर्चे हो या फिर दुख के खर्चे हो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि आज के दिन बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठने वाला है जिसके बाद में दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े खुशियों का माहौल आ सकता है, नहीं तो बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, इस समय आपके लिए बहुत ही अत्यधिक शुभ माना जा सकता है, नहीं तो बहुत ही बड़ा संकट आपको मिला जा सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग पाप के काम करते हैं ईश्वर उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, और दोस्तों उन लोगों से सावधान रहें, और दोस्तों नहीं तो जीवन में ठोकरें खाते फिरोगे और न ही कभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। याद रहे कि आपको आज के दिन हमेशा के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लोग अच्छे कर्म करते हैं अपने जीवन काल में हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करने की ताकत रखते हैं, दोस्तों उनके जीवन काल में उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों उनके जीवन काल में कुछ ऐसी ही बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी जो कि उनके जीवन ही बदल देगा। तो आपको बता दूं, इस समय कुछ ग्रह की स्थिति ऐसी बदल रही है जिसमें दी गई सावधानियों के बारे में आपको पता होना बेहद ही जरूरी है, और दोस्तों आपके जीवन काल की सच्चाई बता रहे हैं ताकि आप भविष्य में दोस्तों ऐसी गलतियों से कोस दूर रह सकें, संभल सकें और आप अपने जीवन काल में तरक्की कर चुकें। दोस्तों अब आपको बता दें, कई सारी वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जातक ऐसे पूछते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे जीवन काल की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, और कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा दोस्तों आप अपने जीवन काल को दुख झेलते हैं और दोस्तों आप अपने जीवन में सुख से वंचित रह रहे हैं। दोस्तों आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा समय और बहुत बुरा समय दोनों से ही गुजरे हैं, लेकिन दोस्तों सबसे चीज़ आप में यही है कि आपने हर परिस्थिति को हैंडल किया है और आप हमेशा से उसमें चलते रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ खास जानकारी देंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में माँ का कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में जिसके द्वारा दोस्तों आप अपने जीवन काल को सुचारू रूप से चला सकते हैं, अपनी गलतियों से कुछ सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। घर में व्यस्तता बनी रहेगी, दोस्तों कुछ समय बाहर बिता सकते हैं, मन की शांति भी आपको हर प्रकार से प्राप्त होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि किसी से ऐसी वस्तु का लेन देन करना बहुत जरूरी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तो दोस्तों ये आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है, लेकिन दोस्तों थोड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु के लेन देन में सतर्कता बरतनी जरूरी है, ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है, नेगेटिव थिंकिंग से बचने की आवश्यकता है, और दोस्तों पारिवारिक कामों में मन लगा रहने वाला है, आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा, संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी शो में गाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों पुराने लोगों के साथ में बाहर घूमने जाने का भी प्लान बन सकता है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें, लव मेट्स के लिए ये दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, बिजनेस में आपकी दूरदर्शिता से दुगना प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों आज के लिए दोस्तों आपके जीवन में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो कि दोस्तों आपके लिए खास रहने वाला है। दोस्तों आप अपने दिन की शुरुआत एक नई उमंग के साथ में करने वाले हैं। दोस्तों कोई बड़ा काम पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, अच्छे से जिम्मेदारी को आपको निभाने की आवश्यकता है और इसमें आप सफल भी रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में कामों की योजना बनाने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों कोई बिजनेस डील आप साइन कर सकते हैं तो काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी लाभदायक रहेगा। किसी जॉब में अपना एग्रीमेंट शुरू करते समय थोड़ी सतर्कता रखने के लिए जॉब में थोड़ा सतर्क रहिए। दोस्तों समाज में समान सम्मान बनने के चांसेस बढ़ गए हैं, अविवाहित लोगों के लिए ये जो 3 दिन है वो थोड़े से कच्चा रहने वाला है। दोस्तों किसी अच्छे लोगों से शादी का रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन विश्वास की डोरी बिल्कुल भी टूटने मत दीजिएगा। आँख मूंद पर किसी पर आपको भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको बात को आगे बढ़ाना है। दोस्तों थोड़ा दिन नॉर्मल भी रहेगा, उतार चढ़ाव हो सकता है। दोस्तों काम अच्छा करने पर बॉस से तारीफ भी मिल सकती है, कंपनी के बॉस द्वारा आपकी तारीफ की जा सकती है। दोस्तों के साथ में संबंधों में सुधार होने वाला है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका कुछ
रुचि रह सकती है। दोस्तों सेहत पहले से काफ़ी ठीक रहने वाली है, रुके हुए कामकाज भी पूरे होने से धन लाभ के काफ़ी योग बन रहे हैं। दोस्तों स्टूडेंट के लिए ये दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में भी आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है। दोस्तों आपके व्यवहार कुशलता के कारण अधिकारियों से मान सम्मान में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपका जो नेचर है, जो आपका स्वभाव है, वो बड़ा ही हष्टपुष्ट है और आप लोगों से जब भी मिलते हैं हंसी खुशी मिलते हैं, इसका लाभ आपको आपके काम में और काफ़ी बेहद जल्दी मिलने वाला है। सरकारी सेवारत लोग अपने कार्यालय में किसी के साथ में वाद विवाद में ना पड़े, पति पत्नी के बीच में दोस्तों उचित तालमेल बनाने की आवश्यकता है, उससे दोस्तों व्यवस्था अच्छी भी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ रहने वाली हैं। दोस्तों दिन की शुरुआत किसी खास समाचार से हो सकती है। आर्थिक योजनाएं भी सफल रहने वाली हैं। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उग सकती हैं, जो दोस्तों घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए काफ़ी उचित रहने वाली है। शॉपिंग आदि में भी मधुर समय व्यतीत होगा और दोस्तों कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक सुकून भी प्राप्त होगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से दोस्तों कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास ना करें। कारोबारी गतिविधियों में कुछ ना कुछ व्यवधान बने रहने वाले हैं। किसी पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग, आपके लिए थोड़ी सलाह आपके लिए लाभदायक रहने वाली है, इसलिए दोस्तों आपको उनकी किसी भी बात को नज़रअंदाज ना करें। नौकरी पेशा लोग अत्यधिक कार्यभार की वजह से परेशान रह सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में भी दोस्तों कुछ बेवजह तनाव रह सकता है। व्यर्थ प्रेम संबंधों में ज़्यादा कोशन ना करें। असंतुलित खान पान की वजह से दोस्तों पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। आज दोस्तों बहुत ही व्यस्ततापूर्ण दिन रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खास संकेतों के बारे में। दोस्तों जो लोग ईश्वर से जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों को माध्यम बना के श्री कृष्ण दूसरों की मदद करवाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में होता है कि कई बार ऐसा होता है किसी का काम नहीं हो रहा होता और जैसे ही ये लोग हाथ लगा देते हैं या फिर दोस्तों कुछ मदद कर देते हैं, उस इंसान का काम बन जाता है। वो आकर कह भी तभी कि मेरा काम बहुत समय से नहीं बन रहा था, आपने मुझे एडवाइस दी, आपने मुझे सलाह दी, आपने मेरे लिए प्रार्थना की या आपने मुझे सहयोग किया, सलाह दी और मेरा काम चुटकियों में हो गया। तो ईश्वर इनको माध्यम बनाने लग जाते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए। दोस्तों ये संकेत है कि आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन अवश्य मिलने वाले हैं। दोस्तों एक संकेत और बताते हैं कि ईश्वर का ध्यान करते हुए, किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करते हुए आँखों से आंसू आने लगते हैं। दोस्तों यही एक सच्चे भक्त की निशानी होती है कि वो अपने ईश्वर की भक्ति में इस तरह विलीन हो जाए कि आसपास दुनिया में क्या चल रहा है इसका उसे ध्यान भी ना रहे। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। दोस्तों आपका मन करता है कि इसी स्थिति में ठहर जाऊं और सब कुछ छोड़ दूं। तो दोस्तों ये संकेत हैं कि आपको जल्दी होंगे ईश्वर के दर्शन। दोस्तों एक आखिरी संकेत बताते हैं कि यदि आप कोई भी काम करें, आपको हर वक्त ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, आपको सिर्फ श्रीहरि का नाम लेना है। दोस्तों यदि आपको ये सारे संकेत मिलते हैं, तो दोस्तों समझ जाइए कि ईश्वर ने आपको बहुत ही भाग्यवान बनाया है, बहुत ही भाग्यशाली बनाया है। दोस्तों हम आपसे बस यही कहेंगे कि ईश्वर की आराधना करते रहिए, क्योंकि जो भी श्री हरि का नाम लेता है, उसके दुख, तकलीफें, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि, राधे राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।